हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज मैं ना छत पे गई और वहाँ मुझे हरी हरी सब्जी लगी मिली। ये देखिए, लौकी की सब्जी हरी हरी ताजी ताजी। तो मैं इनको लेके नीचे आई और सोचा कि आज ये रेसिपी अपने दोस्तों को बताऊं। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक प्याज लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। बारीक बारीक कट करेंगे। ये देखिए, और फिर मैं एक साइड प्लेट में निकाल दूंगी इसको। और इसके बाद मैं टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। मैंने दोस्तों यहाँ दो टमाटर लिए हैं, दो टमाटरों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। उसको मैं एक साइड निकाल दूंगी कट करके। और इसके बाद मैं दोस्तों लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। ये देखिए, मैंने सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब मैं इसको एक बाउल में डाल दूंगी। उसके बाद मैं दोस्तों अदरक को भी छोटे छोटे पीसों में कट करूंगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा बारीक को अदरक को कट कर लिया। उसके बाद मैंने लहसुन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। हरी मिर्च को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर को लिया और उसमें रिफाइंड तेल को मैंने डाला। सबसे पहले मैं दोस्तों लहसुन को डालूंगी और उसको मैं भूनना स्टार्ट करूंगी। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें अदरक डाल के हरी मिर्च भी डाल दूंगी और उसको भूनना स्टार्ट करूंगी। ये देखिए, इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। और फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और हल्दी डालूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम टमाटर को डाल के भूनना स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये अपना तेल ना छोड़ दे। ये देखो भून के तैयार हो गया। और इसके बाद हम इसमें लौकी की सब्जी जो कट की है उसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम दोस्तों इसमें जो है ना चने की दाल को मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको अच्छे से हिला के और पानी डाल देंगे। और फिर इसको हम ढक्कन से ढक देंगे जो पानी गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद दोस्तों हम इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट बाद हमारी दोस्तों दाल जो बन के तैयार हो गई है और मैशर से हम इसको मैश करेंगे और फिर हम दोस्तों इसको धनिए से गार्निश करेंगे। तो कैसी लगी मेरी दोस्तों रेसिपी आज बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।